हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव साथ आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए एंजल गाइडेंस, ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर के लिए। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हो जाती है फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स से, ठीक है। ट्रू मैसेज दे, इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो आपके पार्टनर को लेके। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए धोखा दिया है, किसी चीट किया है, कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक इस रिश्ते में लाया है। और जैसे कि आपका इनके साथ जो भी पास में रिश्ता था 3-4-5 साल हो सकता है, लेकिन इन 3-4-5 सालों में आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि ये पर्सन आपको चीट करेंगे। सडनली इन्होंने आपको बिना बताए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी लाई, किसी और से शादी कर ली। हो सकता है कि इनकी शादी के 2-3 महीनों के बाद आपको पता चला कि इनकी शादी हो गई है। आप ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपको इनका फिजिकल एडिक्शन भी हो रहा है। आप जब भी टाइम पीरियड, आप जो भी आपका प्यार वाला टाइम था, उस टाइम में फिजिकल तो आप बहुत ज़्यादा होते, तो वो बातें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं और बहुत दिल कर रहा है फिजिकल होने का, सेक्स करने का, उनको टच करने का। लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों है, क्या ये मेरे बिना सच में इतना हैप्पी है, क्या सच में उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आप इस वक्त कर रहे हैं इनको लेके। और जैसे कि आपको तो पता ही है इनको कितना एडिक्शन है, आपके पार्टनर को भी, तो आपको ऐसा लग रहा है रह तो नहीं सकता मेरे बिना। तो डेफिनेटली वहाँ पे सब कुछ इसका चल रहा है, इसी वजह से जो कि आज तक मेरे लिए एक्शन नहीं लिए है, बात नहीं कर रहा है, आप ऐसा इस वक्त सोच रहे हो। और आप जैसे कि ये भी देख रहे हो कि ये अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, आप इनको प्रैक्टिकली ग्रो करते हुए देख रहे हो। अगर ये अपडेट्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको वहाँ पे उनकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनका प्रमोशन हो रहा है, इनके कुछ मतलब कि नए नए मतलब कुछ घर खरीदा होगा, कुछ गाड़ी खरीदी होगी, ऐसा नए नए अपडेट्स देख देख के आप परेशान हो। ये पार्टी सेलिब्रेशंस के भी बहुत ज़्यादा पिक्स अपलोड कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा है कि इसका तो अब सब कुछ अच्छा हो गया है, ये क्यों आएगा मेरे पास, ये तो अब मुझे देखेगा भी नहीं। आप इस तरह से करंट में सोच रहे हो और यस कन्फ्यूज़ हो बहुत ज़्यादा इनको लेके। आपको लगता है कि शायद ये आपके पास आने से बेटर किसी और को चूज़ कर लेगा, क्योंकि वैसे भी इसने किसी और से शादी तो कर ली है, और ऐसे एनर्जीज में आप इनको स्वीकार भी नहीं करोगे, तो ये आपके पास आने से बेटर क्यों ना किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट करूं। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर के और बहुत सारे लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं इनको, मतलब सामने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिलने की वजह से। और जैसे कि कोई भी इजीली इनको हाँ बोल सकता है प्यार के लिए, ये आपको अच्छे से पता है। तो आप कंफ्यूज्ड हो, क्या ये कभी आपके पास आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कि कहीं और चला जाएगा, इस तरह की एनर्जीज है। इस वक्त आपका इनसे बात करने का दिल कर रहा है, एक्शन लेने का दिल कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप भी एम्प्रेस हो, आप कुछ इनसे कम नहीं हो, आपकी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुके हैं, और आप इस वक्त इनको ईगो दिखाना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने आपका ईगो तोड़ा है। आपका जैसे कि अपने आप के ऊपर जो भरोसा था, जो आपने इनसे प्यार किया था, उस प्यार को इन्होंने तोड़ कर रख दिया है। तो अब जो कि चाहे जो हो जाए, मैं इतनी आप इतना तड़प रहे हो इनके लिए, दिल बहुत करता है, लेकिन अब अपना लेकिन अब जो है आप अपना प्यार इनको दिखाना ही नहीं चाहते। आप इस वक्त एम्प्रेस हो और जो कि इनकी ओर देखना नहीं चाहते, बस सोचते हो बात करना है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। इस वक्त की फीलिंग्स है आपकी, अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हुई है, तो आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पे नंबर 21 है, 7-3, और जैसे कि यहाँ पे 13 है, नंबर 9-3-1-1। आपके आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, आज रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके किसी से डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि आज दिन में इन्होंने किसी से डिस्कस किया अपने वर्क प्लेस पे, आपको लेके कुछ पूछताछ की है कि आप इस वक्त क्या चाहते हो, क्या आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, ऐसे कुछ डिस्कशन इनका डेफिनेटली हुआ है। और जो कि उस डिस्कशन को आज रात बहुत ज़्यादा याद करेंगे कि उन सामने वाले लोगों ने इनको क्या बताया है। हो सकता है कि ऐसा कुछ बताया है जिससे इनको ये फील हुआ कि आप जो कि अभी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको जो लग रहा है ना इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है,
तो इनको भी सेम आपको देख के यही लग रहा है कि आपकी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुके हैं। आप तो पहले जैसे केयरिंग नहीं रहे, आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका है, और जो कि आप चाहे जो हो जाए लेकिन इनको माफ़ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। इन्होंने आपके साथ जो भी धोखाधड़ी करी है उसके बाद आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप जो कि इनको देखना भी नहीं चाहोगे, ऐसा डिस्कशन इनका कुछ हुआ है। आपके लिए इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, आपकी चैट पढ़ेंगे। और जो कि पास में इन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में भी हाइड करके रखी है, उन फ़ोटोज़ को भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, और देख देख के उस टाइम में मतलब कौन से टाइम पे आपने फ़ोटो खींची थी, उन्होंने कब मांगी थी, और कैसे आपने पहले मना किया था बाद में फ़ोटो सेंड करी थी, ये सारी बातें विजुअलाइज कर करके मतलब कि इनके फेस पे तो स्माइल होगी और आँखों से आंसू आएंगे, ठीक है। ये सब कब्स बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके आ जाते आपके लिए बढ़ेंगे, और जैसे कि खुद होकर बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो भी सामने वालों ने इनको कुछ बताया है ना, इससे इनको ऐसा लगता है कि नहीं आपका रिजेक्शन ये कभी भी नहीं झेल पाएंगे, या आइए ऐसे जी सकते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और जो कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। आप जब पहले थे, जो आप पहले दिखाते थे वो आपको वैसे ही याद रखना चाहते जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। इनको डर लगता है आपसे कुछ भी गलत सुनने का, इसी वजह से आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, और जो कि अपने आप को बचा रहे कि नहीं नहीं, और ऐसा सोच रहे नहीं नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसा रहने वाला है आज रात, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुद होकर एक्शन नहीं लेने वाले। हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पे एक्शन इसी वजह से नहीं ले रहे कि क्या ये थर्ड पार्टी सच बता रही है कि झूठ, इनको ये पता नहीं है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर ये सच बोल रही तो ये रिश्ता एंड है, डेथ है, शायद मैं इस रिश्ते में कभी जा नहीं सकता, क्योंकि ये आपको कभी, शायद मैं इस रिश्ते में कभी नहीं जा सकता, तो ये आपको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहते। अगर इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो तो आपके लिए जैसे कि पहले पूछताछ करेंगे, देखेंगे और ये नोटिस करेंगे कि अगर आप सच में हैप्पी हो, अगर आपको लग रहा है कि इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए एक्शन भी मतलब कि नहीं लेंगे, इस तरह से अपने आप को समझा देंगे कि यस कोई बात नहीं, जो भी गलती तो मेरी थी, जो किया है रिश्ता ख़राब भी किया है तो मैंने ही किया है। तो इस वक्त वो कुछ भी मत बोलो, सारी बातें सारी फीलिंग्स दिल में रखो, अगर भगवान ने चाहा तो रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर रिश्ता एंड हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुश देख के खुश है, इसी वजह से जो कि ये आपको मिसिंग एनर्जीज में मतलब याद कर करके भी अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, ये ऐसे सोचेंगे आज रात बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सारी सोच इसी वजह से होगी क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टीज है, जो जिनसे डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया है इनको कि आपको अब जो कि इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत चेंज हो चुके हो पहले से, इस तरह के एनर्जीज, ठीक है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? यस, देखा मैंने कहा ना, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचने वाले पर्सन हैं, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स आपसे इसीलिए बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं कि दिल में इतना प्यार भी है लेकिन नहीं बताना है, क्योंकि चाहे जो हो जाए आपके सामने इनको झुकना भी ना पड़े, और जैसे कि आप इनके इशारों पर नाचें, ऐसे एनर्जीज है। ये आपसे ज़्यादा अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसी वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका रिश्ता इनके साथ स्टार्ट हो भी जाता है तो होना ऐसा चाहिए कि जो वैसे वो जो वो बोलेंगे वैसे ही होता रहे हमेशा, आपके मर्जी से कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपकी बात ना माननी पड़े तो कंट्रोल, बात नहीं करनी है, डिवाइन पे सरेंडर रखो, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, ये ऐसे एनर्जीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अगर ये आपको जैसे ट्रीट करने वाले हैं वैसे जीने के लिए अगर आप रेडी हो तो आपको इनका इंतजार करना है, अगर नहीं चाहिए तो आप इनसे मूव ऑन कर लो, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।